शोकमोहमयापहा। श्रीमद्भागवतं पुराणमलं जद वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परमगीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमावेष्कृतं तच्छृण्वन् च पठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णयः गायत्रीभाष्यरूपशो वेदार्थपरिबृंहितः सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीमद्भागवतमिष्यते तदृशामृततृप्तस्य नान्यत्र सदरतिः क्वचित् कृष्णभक्तिरसस्वरूप श्रीभागवत ताते वेदशास्त्र हैते परममहत चारिवेदोपनिषदे यत किचुहाय तार अर्थनया व्यास करिल संचय जिबेर निस्तार लागि शूत्र कैल व्यास मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश जाओ भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे भागवत जनामान से जवन समतार शास्त्र अजय जन्मे जन्मे प्रभु जम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंध अध्याय सप्तम अध्याय श्लोक 47 8 48 48 श्लोक First canto. जय कोपीतं ब्रह्मकुलं राजन्नेरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहस्त्याशु सानबन्धं सुचार्पितम् जय कोपीतं ब्रह्मकुलं राजन्नेरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहस्त्याशु सानुबन्धं सुचार्पितं जय कोपीतं ब्रह्मकुलं राजन्नेरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं सुचार्पितं सुचार्पितं
कोपितं ब्रह्मा कुलम् शब्दानुवाद जय ही जिनके द्वारा कोपितम क्रुद्ध ब्रह्म कुलम ब्राह्मण का कुल राजन्ने राजकुल से अजीत निरंकुश आत्मभिः अपने से तत् उष कुलम कुल को कुल को हाँ प्रदहति जला देती है आशु तुरंत सानुबंधम कुटुंबियों सहित सुचारपितम कष्ट पाने पर। अनुवाद में ये बताया है कि बताया जा रहा है कि यदि इंद्रतृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण के कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबको दुख देती है। श्रीला प्रभुपाद को प्रभुपाद ने जो भावार्थ दिया है उसका तात्पर्य है समाज का ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्णों के द्वारा तथा राजसी व्यापारी वर्ग श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता है। जय कोपितं ब्रह्म कुलं राजन्नै रजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्यासु सानुबंधं सुजार्पितम्। यदि इंद्र तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण के कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबको दुख देती है। हम जो श्रीमद्भागवतम पाठ करते निगम कल्प तरोर गलितं फलम सुखम खादम रथ द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम हुरहो रसिका भूमि भाव कहा। जो भागवत श्रीमद्भागवतम एक बैनियन ट्री को क्या कहते हैं आम के पेड़ है। उनके बड़ा आम के पेड़ है, उनके आम में जो फला है आम का पेड़ का जो ट्रंक है उसका लकड़ी है उसको चखने से कसा लगेगा। जब फल मीठा है आम का मीठा। निगम कल्प तरोर गलितं फलम निगम मीन्स वेद है। वेद जैसे एक आम के पेड़ तरह उसका गलित उसका फल है जो श्रीमद् भागवतम। उपनिषद जत किचु है तार अर्थ लयाभ्यास करी ले संचय। ये पेड़ का सारांश है फल। तो भागवत है क्या नहीं जो आम का पेड़ है जो वेद रूप के पे जो पेड़ है उसका फल है निर्जास है भागवतम। जो आम वृक्ष में पक गया जो उसके पेड़ में पक गया है तो वो पक जाने से जब के गिरता है निगम तर्प और गलितंग मीन्स गिरता है फलम। और कैसे गिरता है और उसके सुख जो आम जब पक जाता है सुख पक्षी का चोज लगता है उसे चोज थंटुकों को बिक चोज लगने से बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी जब सुखदेव गोस्वामी का मुख से निकला वो श्रीमद् भागवतम तो ज़्यादा मीठा हो गया। ये जो फल गलितम फलम जो कहते हैं कि इस फल में कोई स्टोन नहीं है। स्टोन को क्या कहते हैं हिंदी में जो टाकुआ को कौन थी
हाँ फटक फटक वो क्या कहते हैं उसको, द स्टोन ऑफ द मैंगो, व्हाट इज इट, अंदर अंदर पे जो बड़ा है गुटली, गुटली उस आम में गुटली नहीं है और उसका कवरिंग नहीं है, इसको कहते हैं चप्पा, चप्पा भगवान। हमका जो स्किन है उसको क्या कहते हैं हिंदी में, क्या है छिलका, छिलका नहीं है, सिर्फ रस, ओनली जूस, वही है श्रीमद् भागवतम। हम लोग क्यों इसका आस्वादन नहीं कर पाते, कि हमको जंडिस है, अच्छा नहीं लगता, कि संडिस है, जो जंडिस होता है जिसको, जो मिष्टी उसको पिता पिता को कड़वा कड़वा लगता है, और कौड़ा की चीज अच्छा लगता है। हम संसार से जो रूप से पीड़ित हम लोग पीड़ित हैं, इसलिए हमको संसार के बाद अच्छा लगता है, जो सिनेमा में, टेलीविजन में, सीरियल में, वही 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 सब्जेक्ट मैटर बार बार दिखाता है, विभिन्न ढंग से दिखाता है, स्टिल पीपल आर सो मच अट्रैक्टेड, इट्स बिकॉज दे आर अफेक्टेड बाई जंडिस। जब उसका कोई उपचार भी नहीं, जंडिस का उपचार क्या है, उसका इलाज कैसे होगा, तो जब जाएंगे डॉक्टर के पास क्या करेंगे, डॉक्टर कहेंगे, डॉक्टर बोलेंगे कि तुम क्या मिस्र के जल पियो, मिस्र के जल और गन्ना के रस पियो, वही पित्त लगता है, पित्त कड़ा लगता है तो पीना पड़ेगा। डॉक्टर ने डॉक्टर बोलता है कि जब ये वो गन्ना के रस मिस्टर जो स्वीट लगेगा, अच्छा लगेगा, तो आपका जंडिस ठीक हो गया है। ऐसे ही हम लोग जो भागवत श्रवण करते हैं, प्रभुपाद ने ये जो व्यवस्था किया श्रीमद् भागवतम सुबह, तो हमको अच्छा नहीं लगता है, फिर भी क्लास में बैठना पड़ेगा, जो कोई बोलो बोले उसका मैटर डजेंट मैटर। उसके जो साउंड वाइब्रेशन, हम तो नहीं कहते ना, प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद के जो जो दिया है, जो भागवतम दिया है, उसका उसके क्या उसके जो आइडिया है, उसके भागवत हम लोग वही प्रेजेंट करते हैं, उसको सुनना चाहिए, अंदर में लेना चाहिए, तो वो जंडिस ठीक होगा, और इसका कोई भी इलाज नहीं, संसार में कोई भी इलाज नहीं। तो यह जो सब्जेक्ट मैटर आता है, इसलिए हम श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हैं। जय कोपीतं ब्रह्मकुलं राजन्नि रजितात्मभिः, ये विश्वस्त है कि कौन कहता है, ये सब कौन कहती है, द्रौपदी ने कहती है। द्रौपदी आर्गुमेंट देते हैं, पहले से बहुत आर्गुमेंट दे दी, एक आर्गुमेंट दिया जो मुंच मुंच मुच्यतांग मुच्यतांग ये सब ब्राह्मणों नितरांग गुरु, ये ब्राह्मण को अपमानित नहीं करना चाहिए, और ये गुरु है और वो उसको अपमानित नहीं करना चाहिए, ऐसे ही पशु की तरह उसको बांधना चाहिए नहीं चाहिए, फर्स्ट आर्गुमेंट। तो द्वितीय आर्गुमेंट में कहा, उनके पिता से तुम धनुर्वेद सीखे हो, और धनुर्वेद में वो तुमको सब रहस्य सिखाया है, जो सीक्रेट है उसको टेक्निक सिखाया, और इसलिए उसको अपमानित नहीं करना चाहिए। जदसन जदनुग्रह, उनके पिता से पिता की अनुग्रह से तुम ये सब सीखे हो, धनुर्वेद सीखे हो, जो गुरु है उनके उनको दुख पहचाना, ये ठीक बात नहीं है। तृतीय आर्गुमेंट दिया क्या, सही से ब्राह्मण भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, ये जिसको तुम बात कर रहे हो प्रजारूपेण, ये द्रोण हिमसेल्फ इज द्रोण, और द्रोण उनका विस्तार है, उनके बेटे हैं, तो द्रोण और उनके बेटे से कोई भिन्नता नहीं है, पार्थक्य नहीं है, वो क्या है, और उसको बेटे को अपमान देना द्रोण को अपमान देने से समान है, अभिन्न है, इसलिए उनको दंड देना, इसका ऐसे ऐसे पशु की तरह बंधन में रखना, यह अच्छा नहीं है। और एक दिया है, जब धर्मज्ञ महाभाग भवदभिर् गौरवम कुलम, द्रौपदी ने कहा कि जब धर्मज्ञ महाभाग है, महाभाग जो धर्मज्ञ होते हैं वो अपने कुल को निंदा नहीं लाते हैं, और तुम एक बहुत महान कुल से जात हुई हो, अर्जुन ने महत कुल से जात हो जन्म हुई हो, महत कुल में जन्म हुए हो, कौरव वंश में जन्म हुए हो, अब कौरव वंश का ख्याति सर्वत्र विद्यमान,
ब्रजिनं नारद प्राप्तं पूज्यं वंद्यं अभीक्षणं। जिस वंश को समग्र पृथ्वी लोक में प्रशंसा करते हैं, पूजा करते हैं, अब बहुत महान महान राजा इस कुल में आए हैं, इसलिए इस बड़ा महत कुल को तुम अपमान करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। एक आर्गुमेंट दिया, अनद दिया, मारोद मारोद मारोदी दस्य जननी गौतमिं पति देवता। मैंने जैसे रोया हूँ मेरे पुत्र का नाश से, मैं जितने रोया हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो गौतमी, किसका गौतमी जो द्रोणाचार्य को, द्रोणाचार्य की पत्नी, वो रोए। मैं समझता हूँ पुत्र को खो देने के बाद क्या दुख मिलता है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ। मैं जैसे रोई हूँ, आपके गुरु के पत्नी वो रोए। जथाहं मृतवत सार्ता रोदितम्य अश्रुमुखी मोहो। आज के श्लोक में कहते हैं, अनदर आर्गुमेंट देते हैं, जय कोपितं ब्रह्मकुलम। जो कोपितं ब्रह्म, ब्रह्मकुलम कले ब्राह्मण के कुल, ब्राह्मण, ब्राह्मण को जो क्रोधित करता है, जो क्रोध ब्राह्मण का जो अपमान देता है उसको क्रोधित करता है, कौन करता है? राजन ने रजिपा अजितात्मा भी। राजन ने कौन करता है? जो राजन्य वर्ग, रॉयल फैमिलीज, रॉयल पर्सनालिटीज। साधारणतः जो रॉयल फैमिली में जन्म लिया है उसको बहुत ज़्यादा मिला है कि ऐश्वर्य मिला है, उच्च कुल मिला है, सौंदर्य ऐसा मिला है। रॉयल फैमिली में जो राजन्य कुल में जो जन्म लिया है, ये सब क्या है? ये सब गर्व का एक चिन्ह है, मद आ जाएगा और सबको आप हीन समझ लगेंगे और ज़्यादा इंद्रिय उपभोग करेंगे। अजितात्मा भी, अजितात्मा भी जिसको ज़्यादा भोग का उपभोग का सामग्री, जिसके पास अच्छा खाना, अच्छा सोने के बिस्तर है, अच्छा वाइफ ये सब मिला है, वो लोग इंद्रियों को नहीं जीत सकते। जो इंद्रियों को नहीं जीत सकते उसका क्या होगा? जो उसका परिणाम है वो दूसरे को हीन ज्ञान करेंगे, दूसरे को अपमान देंगे। इसलिए वो कहते हैं कि कहते हैं कि कोपितं राजकुलं राजन्य रवित अजितात्मा भी। अजितात्मा भी जो राजन्य कुल है उनके द्वारा ब्राह्मण अपमानित होते हैं और क्या होगा? तत्कुलं तदहत्य आशु। आशु मीन्स इंस्टेंटली, आशु शीघ्र ही उस राजन्य कुल का पतन हो जाएगा। आप लोग, हम लोग इसके लिए कॉशस होना चाहिए। राजन ब्रह्मकुल को अपमान नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण किसको कहते हैं? ठीक है, हम ब्रह्मकुल को अपमान नहीं देंगे। ब्राह्मण किसको कहते हैं पहले जानना चाहिए। वैष्णव ही ब्राह्मण है। जो भगवान कृष्ण का आराधना करता है, काय मन वाक्य में भगवान का आराधना करना, ये तो लिखा हुआ है। जो ब्रह्मकुल को, ब्राह्मण को जो अपमान देता है, ब्राह्मण को जो निंदा करता है, उनको कष्ट देता है, भगवान कभी नहीं सह सकते ब्राह्मण को अपमान दे। इसलिए जब जब भगवान इस जगत को, जगत में अवतार हुए हैं, नृसिंह रूप से आया, क्योंकि प्रह्लाद महाराज को अपमान दिया, कौन? हिरण्यकश्यप ने दिया। भगवान ऐसे इस जगत को नहीं आएंगे। जो भगवान ने बोला है, जदा जदा ही धर्म बोले हैं, जबकि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत। जब जब धर्म का ग्लानि होगा, अधर्म का उत्थान होगा, तो मैं आऊँगा। धर्म का ग्लानि कैसे होगा ना? जब ब्राह्मण धर्म नष्ट होगा, ब्राह्मणिकल कल्चर, प्रभुपाद के मोर इम्पोर्टेंस ब्राह्मणिकल कल्चर, ब्राह्मण को जो निंदा होगा, उनका बात कोई नहीं सुनेगा, उसको कष्ट देंगे, पीड़ा देंगे, तो इसके लिए भगवान आते हैं। भगवान को निंदा करने से भगवान नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग हैं संसार में जो भगवान को नहीं मानते हैं, नास्तिक है, भगवान नहीं आएंगे। भगवान को निंदा कुछ नहीं, उसके लिए सम्मान निंदा समान है, तो उनकी कोई निंदा करने से भगवान नहीं आएंगे। भगवान जो भक्तों को निंदा किया जाएगा, भगवान भक्तों को कष्ट मिलेगा, कौन देगा? ये राजन्य कोल,
आजकल का समाज को देखो, साधु को नहीं कोई नहीं पूछता है, और जो कुछ सरकार जो नियम बनाते हैं तो साधु के विरोध, उनके फिलोसफ के विरोध, साधु को कोई सम्मान नहीं करते। गरीब के लिए सरकार बहुत कुछ करते हैं, नारी के लिए करते हैं, साधु अपने जीवन को दिया है, उसका कोई परिवार नहीं है, वो ज़्यादा वस्तु नहीं लेता है, बहुत ज़्यादा समय देता है, दूसरे के कल्याण के लिए देता है, बस उसके सरकार का कोई भी प्रोविजन नहीं है साधु के लिए, कुछ इंश्योरेंस करो, किस करो, जो साधु इस उस सरकार का कुछ दान दो, कुछ नहीं देती है। और दान तो नहीं देती, वो तो सेपरेट थिंग। अनदर थिंग, और एक बात है कि वो साधु को अपमान देते हैं, इसे कहते हैं ब्राह्मण कुल को जब अपमान मिलेगा तो कष्ट मिलेगा तो क्या होगा। तो राजन्य वर्ग ध्वंस हो जाएगा। जब प्रह्लाद महाराज ने नृसिंह हरि हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप उग्र शासन किया, किसको दंड दिया, देवताओं को दंड दिया, सप्तम स्कंद भागवत, बहुत दंड दिया, बहुत दंड दिया, उग्र दंड शासन, हजारों वर्षों तक वो शासन किया। हिरण्यकश्यप क्या करता था जानते थे? दारू पीता था, क्या सिंहासन पर बैठकर उसका जो चक्षु है और ऐसे दारू के नशे से घूमता था। इंद्र उसको, उस समय इंद्र पूजा करते थे हिरण्यकश्यप को, ऐसे धूप देख लेकर पूजा करते थे। ऋषि उसको, उसका क्या प्रशंसा करते थे, उसको आराधना करते थे बहुत। हिरण्यकश्यप इंद्र पूजा करने के बाद हिरण्यकश्यप मदिरा पीता था, उसके बाद वो क्या कहता था, उसको गाली देता था पूजा के बाद। ऐसे सहना इतना आसान नहीं है, इंद्र कोई साधारण नहीं, साधारण जीव नहीं है, वो बहुत बड़ा पोस्ट में है, उसको ऐसे अपमान देता था। हजारों वर्ष तक जब वो दुख सहे, कष्ट सहे, कौन न देवता लोग ने, वो और नहीं सह सके, भगवान विष्णु को प्रार्थना की, प्रार्थना की हम लोग को बचाओ, और नहीं सह सकते। और दिन भर दिन उसका दंड शासन दिन का दिन टाइट होता है, ज़्यादा कष्ट देता है, क्या क्या करेंगे हम। भगवान ने उसको कहा, देखो वो अभी शासन करेगा, क्योंकि वो तपस्या क्या है, तपस्या का फल कभी निष्फल नहीं होता। तपस्या आप अच्छे के लिए करो और बुरे के लिए करो, उसका फल कभी निष्फल नहीं होता, उसको पाना होगा और तुम लोग को सहना होगा। यू हैव टू टॉलरेट। अब कब उसका अंत कब होगा, इसे गौर नेता राधा और उसके अंत कब होगा ना, एक रास्ता है, अंत होगा जब ब्राह्मण को वो अपमान करेगा। ब्राह्मण को अपमान करेगा तो इसको बंद कर दीजिए। जब ब्राह्मण को निंदा करेगा, अपमान देगा, कष्ट देगा, वही से हिरण्यकश्यप का होगा अंत होगा। ब्राह्मण तो इसको तो बस बहुत ब्राह्मण को हिरण्यकश्यप जब ब्राह्मण को हिरण्यकश्यप ने सम्राट हो गया तो फर्स्ट टारगेट वाज द ब्राह्मण, इज फर्स्ट टारगेट वाज ब्राह्मण टू किल द ब्राह्मण, इज ब्राह्मण को हत्या करो, और जहाँ जहाँ ब्राह्मण की बस्ती है, ब्राह्मण का कुल है, उसको ध्वंस कर दो, अग्निसंजोग कर दो, ऐसे ऐसे ऑर्डर दिया। और जब पेड़ को काट दो, जिस पेड़ में बहुत फल आता है, आम आता है, जो पनस पनसों का जैक फ्रूट को क्या कहते हैं पनस, वो ऐसे जैसे जिस जिस पेड़ को ऑस्पिशियस ट्रीज कहते हैं, शुभ वृक्ष, ये सब को काट दो, क्योंकि इसमें और जहाँ जहाँ होता है क्या अग्निहोत्र यज्ञ होता है इस विष्णु के लिए, इस सब को बंद करो। और जहाँ जहाँ गाँव है, गाँव काउस, किल द काउस, जस्ट लाइक हिरण्यकश्यप एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग ऑन राइट नाउ, किल द काउस, क्योंकि ये सब यज्ञ करने से ये सब मदद करते हैं, ये सब का नष्ट करो, ब्राह्मण को नष्ट करो, गाय को नष्ट करो, पेड़ को नष्ट करो। उग्र शासन आ गया, ये सब कर दिया। तो देवता लोग ने कहा विष्णु को, देखो ब्राह्मण को वो अपमान दे चुका है, तो कब अंत होगा उसका ना, और एक पाप करना है उसको,
वैष्णवों को दंड देना है। वैष्णवों को दंड देने से क्या होता है ना, आपका सब कुछ खो जाता है। श्लोक मैंने याद किया था, भूल गया। पुंस महतिक्रम, जो वैष्णव को दंड देता है, अपमान देता है, निंदा करता है, उसका आयुष चल जाता है। आयुष जब उम्र चल जाता है, उनका जो श्रेयांश जो कुछ अच्छा है, एनीथिंग आर स्पीशियस जस्ट वैनिश। वैष्णव को दंड नहीं देना चाहिए, निंदा करना नहीं चाहिए। वो सब आपके ना जो इसको क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन वो क्या होता है, कम जाता है, नष्ट हो जाता है। और कोई आशीष है, किसका आशीर्वाद है उस पर, वो भी काम नहीं करेगा। तो क्या करना है ना, उनके बेटे को वो जब दंड देगा कि हिरण्यकश्यप के प्रहलाद को। प्रहलाद कैसे वैष्णव है, भगवान विष्णु ने खुद के अपने मुंह से कहा, निर्भयाय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय जदिद्रुहेत हनिष्यपि वरोर्जितम्। उसने कहा प्रहलाद का वैष्णवता को प्रमाणित करते के निर्भराय, जिस वैष्णव का कोई शत्रु नहीं है, अजात शत्रुजित युधिष्ठिर महाराज अम्बरीश ऐसा इसका कोई शत्रु नहीं है, उनका कोई शत्रु नहीं है। ये ज्यादा ब्राह्मण से ज्यादा उच्च स्थिति में थे। महाभागवत, महाभागवत देखे, स्थावर जंगम जहां जहां नेत्र पड़े कृष्ण कृष्ण, महाभागवत देखे स्थावर जंगम जहाँ जहाँ नेत्र पड़े श्री कृष्ण स्मरण, स्थावर जंगम देखे नादेगे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्ट देव स्मृति। उसको महाभागवत डिवोटी कहते हैं। हम लोग ऑर्डिनरी डिवोटी है। महाभागवत डिवोटी किसको कहते हैं ना, जो जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ तहाँ कृष्ण स्मरे, वेयर एवर हिज ग्लांस इज फॉल्स देयर कृष्ण अपीयर्स। महाभागवत वो कृष्ण के सिवा कुछ नहीं देखते हैं। हम देखते हैं नारी पुरुष ये टेलीविजन ये सब देखते हैं, उसको कुछ नहीं देखा जाता है, उसको महाभागवत कहते हैं। कहले वही दैट टाइप ऑफ डिवोटी प्रहलाद वाज, कहले वही इसका कोई शत्रु नहीं है। निर्भयराय, जिसका कोई शत्रु नहीं है, जो उसके साथ उसके साथ शत्रुता करते हैं, कुछ उनका कोई अफंड कष्ट देते हैं, वो लोग नहीं रह सकते, कृष्ण नहीं सह सकता। उसके लिए उस तरह का डिवोटी एक प्रहलाद, उसके कहते हैं निर्भराय प्रशांताय वो इज नेवर एजिटेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, जो कोई भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते, प्रशांत। प्राकृत क्षोभ वशवर्ती जो नहीं होते, वशवर्ती मीन्स जैसे काम क्रोध लोभ मुझा अपमान एजिटेट हो जाते हैं, जो इसको एजिटेट जो को विचलित नहीं कर सकते, प्रशांत आय स्वशुत आय। और कौन है वो, ये वो उसका अपना बेटा है कि प्रहलाद आय जदा द्रुहेत, जो जदा जो प्रहलाद को द्रोह करेगा, उसको अपमान देगा, हनिष्य भी बरोर जीतम, ब्रह्मा सब वर देने के बाद भी हम उसको मैं उसको मारूंगा, हत्या करूंगा। ऐसे कौन कहे, भगवान विष्णु ने कहा। इसलिए ब्राह्मण को कभी अपमान नहीं देना चाहिए, विशेष कर के क्या वैष्णव को नहीं अपमान देना चाहिए, क्योंकि इसमें आयुष्य क्यों हो जाता है और क्या होता है, और जो कुछ अच्छा है, जो कुछ शुभ है अच्छा है, ये सब नष्ट हो जाएगा। पुंसा महत अतिक्रम, महत व्यक्ति जो महाभागवत गुरु का अपमान करना, ये सब विनाश का कारण होता है। द प्रबल उसका मेटेरियल लाइफ विल बी वैनिश्ड एंड स्पिरिचुअल लाइफ टू, बहुत लाइफ मेटेरियल स्पिरिचुअल लाइफ। बहुत लोग का बहुत कुछ खेती हुआ है ये महत अतिक्रम करके। ऐसे हुआ है, ब्राह्मण किसको कहते हैं, फर्स्ट थिंग सब लोग ब्राह्मण नहीं है। ये ब्राह्मण के का इसको क्या कहते हैं, पैता है, पैता उपवित पहनने के बाद ब्राह्मण नहीं हो जाता है। बहुत सा ब्राह्मण संसार में है और ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का स्वभाव प्रकट होना चाहिए, स्वभाव प्रकट। ब्राह्मण का स्वभाव क्या है, भगवत गीता में कहा है, समो दमः तपसौच शांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभाव च। उसका स्वभाव प्रकट होना चाहिए तो ब्राह्मण होता है। आजकल लोग बहुत ब्राह्मण से ब्राह्मण कुल में जन्म ले, तो ब्राह्मण का कोई कर्तव्य नहीं करते,
ब्राह्मण का कोई कर्तव्य, ब्राह्मण का स्वभाव ही नहीं, वह ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं है, वैसे का कर्तव्य करते हैं, दुकान करते हैं, व्यापार वाणिज्य करते हैं, ये ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है। ब्राह्मण अपने कर्तव्य न करने से उसको क्या 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 बोला जाता है, ब्रह्म बंधु। आप ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं है, ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं करते हैं और ब्राह्मण का जो स्वभाव नहीं प्रकट होते हैं, तो आपका ब्रह्म बंधु क्या कहा जाता है, ब्रह्म बंधु के मित्ते, ब्रह्म बंधु। ब्रह्म बंधु से आपका ब्राह्मण का तेज नहीं रहेगा, आपके बातों में, आप शरीर में कोई ब्राह्मण का तेज नहीं रहेगा। यू विल ओनली बी ब्राह्मण इन द नेम ओनली, ब्राह्मण ब्राह्मण। तो इस ब्राह्मण का, ये जो ब्राह्मण का, तो इसके ब्राह्मण का स्वभाव प्रकट होना चाहिए, समो दमोह तपह शौच क्षांति राजमेय वच। ब्राह्मण इंद्रिय संयम करना है, इंद्रिय को दमन करना है, मन का संयम करना चाहिए, जैसे ब्राह्मण कभी एजिटेट नहीं होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ देयर इज बीइंग एडवर्स सिचुएशन द ब्राह्मण शुड स्टे काम, एडवर्स सिचुएशन ब्राह्मण का वो स्वभाव है। प्रभुपाद ने कहा था, हम लोग ब्राह्मण, आई एम क्रिएटिंग ए सेक्शन ऑफ पीपल एज ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण नहीं होगा तो ये शरीर नहीं चलेगा, संसार रूप का शरीर जब समाज नहीं चलेगा, ब्राह्मण को आवश्यकता है। वर्तमान अभी जो समय है, ब्राह्मण का अभाव है, क्षत्रिय लोग तो कम, इसका संख्या भी ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ लोग वैश्य है और ज़्यादा लोग शूद्र है। शूद्र किसको कहते हैं, जिसका वृत्ति का कोई बीजाबाज विचार नहीं, जो पैसा जिस प्रोफेशन में पैसा है लोग करते हैं, ज़्यादा पैसा मिलता है उसे, किस कितने लोग का नुकसान होता है, जीव होता है जो निहत होते, उसका कोई विचार नहीं करते। तो ऐसे कहते ब्राह्मण है समह दमह तपह, ब्राह्मण तपस्या करेंगे, शारीरिक कष्ट मानसिक कष्ट उठाएंगे ब्राह्मण, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तपह शौचम, ऑलवेज क्लीन, शौच द क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गर्डलीनेस, प्रभुपाद ने कहा। क्लीनलीनेस इज रिटन, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गर्डलीनेस, इसलिए प्रभुपाद ने कहा सब साफ सुथरा रहना चाहिए, शरीर कपड़ा ये परिवेश सब साफ सुथरा रहना चाहिए, एवरीथिंग नाइस एंड क्लीन, ये ब्राह्मण का लक्षण है। अनक्लीननेस द डर्टी, डर्टीनेस और ब्राह्मण दे आर क्वाइट कंट्राडिक्टरी, ये साथ नहीं जा सकते। ब्राह्मण मीन्स उसको जो साफ सुथरा होना चाहिए, ब्राह्मण का स्वभाव है। शौच अंत शौच बाह्य शौच, अंतर में जो बुरे वस्तु है, काम क्रोध लोभ दूसरे का दोष देखना, इस इसको क्लीन करना है, हरिनाम करके, साधन करते, भागवत पढ़ के, श्लोक आवृत्ति करके इसको क्लीन करना है। अब बाहर से जैसे कपड़ा शरीर परिवेश उसको क्लीन रखना है, ये ब्राह्मण का कर्तव्य। शौचम शांति आर्जवम, आर्जव मीन्स ट्रांसपेरेंसी, अंदर में जो है बाहर में वही है, उसको लाइफ को आप पढ़ सकते, उसके जीवन को पढ़ सकते, क्या लगता है क्या लिखा हुआ है, अंदर में जो बाहर में से, उसका अंदर में एक बात है बाहर में एक बात है, वो कपट है, कपट डुप्लीसिटी। ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, ब्राह्मण शुड स्टडी वेदर्स, वो टीचर है, शिक्षक है, स्टडी वेदर्स, वेद को पढ़ना है, पढ़ाना या पढ़ना, ज्ञान विज्ञान, विज्ञान मीन्स टू प्रैक्टिस इट अप्लाइड इन वन द नॉलेज इन वन हिज लाइफ, जो वास्तव जीवन में उसको अप्लाई करना है, प्रयोग करना है, उसके बाद रियलाइजेशन देना है। जैसे मीठा रसगुल्ला इज स्वीट, आई कैन गिव ए वन लाइक ए फाइव आवर लेक्चर्स ऑन रसगुल्ला, कैन यू रियलाइज इट स्वीट, नो, रसगुल्ला के बारे में 5 घंटा प्रवचन दूंगा, आप अनुभव कर सकते हैं ये स्वीट है क्या, खाते नहीं, जो उसको मुंह में डालने से क्या होगा, उसको प्रवचन नहीं देना पड़ेगा, रियलाइज इज इट स्वीट। ऐसे ही ब्राह्मण जो नॉलेज पाते, जो शिक्षा पाते, जो हम कुछ सीखते हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोग करना है, वास्तव जीवन में उसको प्रयोग करना है, जो रियलाइजेशन मिलेगा तो क्या होगा ना, विश्वास, इसको क्या, आपका विश्वास फेत आ जाएगा, नो ये ठीक है, काम देता है। ब्राह्मण का ज्ञान है, विज्ञान है, नॉलेज एंड रियलाइज नॉलेज। आस्तिक्यम, आस्तिक्यम माने, आस्तिक्य का मतलब है
वेद के स्टेटमेंट पे कंप्लीट फेथ, भगवान के कंप्लीट, भगवान को, भगवान के ऊपर, साधु के ऊपर कंप्लीट फेथ। जैसे विग्रह आस्तिक में समझाता हूँ किसको आस्तिक कहते हैं। आस्तिक मीन्स वी से थेइस्ट, इंग्लिश मीन्स वी हैव फेथ। जैसे प्रसाद है, एग्जाम्पल प्रसाद है, भात जो अन्न डाले, सब्जी रसगुल्ला, उसको प्रसाद क्यों कहते हैं? होटल में भी तो मिलता है ना, एक प्रसाद क्यों, प्रसाद क्यों कहते हैं ना? भगवान का ऑफर है, अच्छा भगवान खाते खाते हैं या नहीं खाते हैं उसका कोई गारंटी, उसका प्रमाण क्या है? कुछ नहीं। तुलसी जो महारानी है, ये तो पेड़ है, एक किसको क्या कहते हैं, पेड़ कहते हैं ना, और छोटा जो हम जो कहते हैं क्या, प्लांट, पौधा, हाँ ये तो पौधा है, उसको पूजा क्यों करते हैं? वैष्णव है, ये तो मनुष्य है, पूजा क्यों, इसको सम्मान क्यों करते हैं? ये जो ठाकुर, जो ठाकुर जी, ये जो मार्बल हुआ है क्या, ब्रास में हुआ है क्या, कष्ट में हुआ है, इसको पूजा क्यों करते हैं? ये सब संदेह आ जाएगा, संदेह डाउट आ जाएगा। और भक्ति इसमें विश्वास के एक इसको क्या फाउंडेशन में खड़ा है भक्ति। विश्वास से जो भगवत संबंधी विश्वास, भगवत वस्तु के विश्वास, भगवत वस्तु पर विश्वास नहीं आएंगे तो भक्ति नहीं होगा। जो अध्यक्ष के, अध्यक्ष के शब्द का मतलब समझते हैं, अध्यक्ष जो सब कुछ इंद्रिय से मापना चाहते हैं, मेजरिंग करना, क्या है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, जो सब कुछ इंद्रिय से, ही मेजर्स एवरीथिंग थ्रू द सेंसेस, मेजर्स हिंदी में क्या कहते हैं, मैं आपने तो क्षमा कर ला क्या जानते हो, तौलना, ठीक है हाँ जो हिंद्रिय से तौल लेते हैं, ये वैष्णव नीचे कुल में जन्मा हुआ है, ये वेस्टर्न डिबोटी है, ये इंडियन डिबोटी है, ये प्रसाद क्या है, ये तो भात दाल सब्जी यही आ क्या है, ये तो पेड़ है, ये ठाकुर किस पत्थर में, किस धातु में ये बना हुआ है, ये सब जो माप, जो इंद्रिय के तौलते, इंद्रिय के द्वारा तौलते, दिस इज क्वाइट नेचुरल फॉर अस, वी ऑलवेज ट्राई टू मेजर एवरीथिंग थ्रू सेंसेस। जब उसको तौल देते हैं इंद्रिय से, वो उसके नास्तिक कहते हैं उसको। भागवत पद्म पुराण में दिया गया है, कहा मैंने गुरुसु नरमति हु थिंक्स द स्पिरिचुअल मास्टर एज ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, वैष्णवे जाति बुद्धि, यू कंसिडर वैष्णव बिलोंग्स टू सर्टन कास्ट और क्लास। चरणामृत को साधारण जल ज्ञान करता है, इस अध्यक्ष की कथा, ये सब कृष्ण के भक्ति नहीं कर सकते। उसको जो वेद में दिया है उसको विदाउट क्वेश्चन जस्ट टेक इट, उसके प्रश्न ना पूछकर उसको ग्रहण कर लो, ये साक्षात भगवान है। ये चरणामृत कृष्ण के दिव्य जल है, उसको पाने से जीव का कल्याण होगा। ये जो तुलसी महारानी है कोई साधारण पेड़ पौधा नहीं है, वैष्णव कोई साधारण कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु साधारण मानुष नहीं है, ये सब को जो ग्रहण करता है, ऐसे जैसे ही ऐसे ही ग्रहण करता है, उसको कहते हैं आस्तिक्य। आस्तिक्य मीन्स थेइस्ट, समझ गए क्या मैं कहना चाहता हूँ? जी, ये सब को ब्राह्मण जो होता है इसको लेकर कोई प्रश्न नहीं उठाता है। हम लोग जो साइंस पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, हम लोग प्रश्न उठाते हैं इसको क्यों पूजा करते हैं। हरिनाम का मान, हरिनाम का साधारण आविधानिक शब्द, जस्ट लाइक सम वर्ड्स इन डिक्शनरी, हरिनाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सम वर्ड्स इन डिक्शनरी, इट इज नॉट लाइक दैट। जो उसको ऐसे ही ग्रहण करता है, नो एट गुरु ने कहा, आचार्य ने कहा, वेद में दिया हुआ है, उसको ऐसे ही ग्रहण करे, जो उसको आस्तिक कहते हैं। समो दमः तपः शौचम् क्षन्ते आर्जवमेव ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव, ये ब्राह्मण का स्वभाव होता है। ऐसे ही जो ये जो गुण, ये सब स्वभाव जिसके पास प्रकट होता है उसको क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। अब ब्राह्मण का कार्य क्या है, जजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। जजन ठाकुर जी की पूजा करना, जाजन मीन्स दूसरे को सिखाना, ये सही पूजा करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद हमको सिखाया, हम लोग नहीं जानते थे, हम लोग मिलच्छ थे, उसको हमको सिखाया। जाजन पठन, वो वेद पढ़ेंगे, भगवत गीता भागवत पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे ज़्यादा, और दूसरे को पढ़ाएंगे,
ब्राह्मण इज ऑलवेज गुरु, ब्राह्मणो नितराम गुरु, नितराम गुरु, ऑलवेज सी द मास्टर। अमार आज्ञा गुरु हया तार ए देश, महाप्रभु ने आदेश दिया मेरे आदेश से तुम गुरु बनो और दूसरों को शिक्षा दो और दूसरों को उद्धार करो। प्रभुपाद ने वही किया, हमको वो प्रभुपाद ने वैष्णव का आदेश दिया है, तुम जाओ प्रचार करो और दूसरों को उद्धार करो। यह ब्राह्मण का कर्तव्य, पठन पाठन जजन जाजन, पठन पाठन दान प्रतिग्रह। ब्राह्मण कोई नौकरी नहीं करेगा, वो दान में चलेगा। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि ब्राह्मण को दान देगा, ब्राह्मण को चलाएगा, उनको पालन पोषण वही करेगा। कहते हैं ज़्यादा दान हो रहे, ज़्यादा पैसा मिल गया तो वो भी दान देगा, वो नहीं रखेगा, जितना चाहिए वैसे वही उतना ही रखेगा। कोई ब्राह्मण रखेंगे तो उसको कहते हैं ब्राह्मण। उस प्रकार ब्राह्मण का कहा गया है पद्म पुराण में, कलयुग में ब्राह्मण मिलना ज़्यादा आसान नहीं है। कौन कह रहे हैं? शिव जी ने पार्वती को कह रहे हैं पद्म पुराण। पद्म पुराण में इसे बताया गया है कि विप्रा वेद विहीनाश्च प्रतिग्रह परायण अत्यंत कामिनः कुरा भविष्यन्ति कलयुगे। कलयुग में एक शुद्ध ब्राह्मण पाना अत्यंत कठिन है। जब जब कलयुग बढ़ता जाएगा, ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। कलयुग चार ही व्यक्तियों को पकड़ लिया है, चार ही प्रकार व्यक्ति को पकड़ लिया है। एक चार व्यक्ति के द्वारा जगत को कंट्रोल करता है कली। जानते हो किसके? फर्स्ट होते राजा, जो राष्ट्र के मुख्य है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, राजा। उसको पकड़ लिया तो जो रूल करेगा वो वेद विरुद्ध रूल करेगा, ब्राह्मण की संस्कृति के विरुद्ध रूल वो होता है ना जगत में। उसको पकड़ लिया, राजा को पकड़ लेने से सारा राष्ट्र का लोग उसके उठी मुट्ठी में आ जाएंगे। ये तो मुख्यमंत्री ने कहा ब्रॉयलर फार्म करो, इसमें क्या बुराई है? राजा ने नियम किया, इसके मदिरा की दुकान खोलो, राजा ने किया। तब उसको पकड़ लेने से राजा को क्या होगा ना, वो जो रूल रेगुलेशन करेगा सब वेद विरुद्ध रूल करेगा। इसके द्वारा कली को शासन करना आसान हो जाएगा। सो इसलिए जो राजा के पोस्ट में बैठे हैं, हेड पोस्ट में बैठे हैं, दैट पोस्ट इज वेरी सेंसिटिव। वो कोई गुरु का आदेश नहीं मानेंगे तो जल्द जल्द हो जाएगा क्या, कली का दास हो जाएगा। इसको कली चेला कहते हैं, सिनेमा स्टार। वो जो एडवर्टाइज करते लोग ग्रहण कर लेते हैं विदाउट क्वेश्चन। हम चिल्ला कर कहते हैं, लोग नहीं सुनते हैं, बाबा क्या कहता है। वो सिनेमा हीरो कहता है हाँ वही ठीक है। ये वो सब कौन है? ये सब कली का एजेंट है, कली का एजेंट। क्रिकेट स्टार कहता है, वो कहता है हाँ ठीक है, वही करता, वही करना चाहिए। इसलिए तो उसका एडवर्टाइजमेंट, व्हाट एडवर्टाइजमेंट इसका मैन विज्ञापन का अर्थ क्या है? कली का शासन। मिथ्स जो मिथ्या होते, झूठ होते, उसको ज़्यादा प्रचार करके लोग को विश्वास आ जाता है, वही ठीक है। इसके कहते हैं राजा। और एक व्यक्ति है लोकपति, मैं ऑर्गेनाइजेशन का हेड हूँ, संस्था का हेड हूँ, मंदिर का हेड हूँ, कोई संस्था का हेड हूँ, तो उसको पकड़ लगा कली। और एक है जो प्रवचन देते हैं, गुरु होता है तो उसका शिष्य आ जाएगा, तो गुरु को पकड़ लिया तो गुरु कली का दास हो गया, तो शिष्य और उसका अनुगतजन जो फॉलोअर्स होते वो सब हो जाएंगे क्या ना, कली का दास हो जाएगा। और एक है स्त्री, नारी, उसको पकड़ लिया तो क्या होगा ना, जो घर में विभ्राट हो जाएगा, घर घर में कली है, क्यों? नारी को कली ढाल पकड़ लिया है। इसलिए कलयुग में हाँ, और एक है ब्राह्मण, ब्राह्मण को पकड़ लिया तो सारा समाज को नष्ट कर देगा। इसलिए प्रभुपाद ने कहा अन्य तीन ही बने, इसलिए कहा वैसे उच्च कुल में सदस्य सदक अन्य आश्रित वर्ण द्वारा तथा राजस्व व्यापारी वर्ग श्रमिक द्वारा सम्मानित होना चाहिए। यदि ब्राह्मण का शुद्धता नहीं रहेगा, ब्राह्मण पॉल्यूटेड हो जाएगा, करप्टेड हो जाएगा, तो वैश्य क्षत्रिय शूद्र ये सब नहीं रहेंगे, ये सब नष्ट हो जाएंगे।
पतन समस्या संसार में वही हुआ है, ब्राह्मण ने नष्ट हो गया, उसका ब्राह्मण का तेज नहीं रहा, उसका शुद्धता नहीं रहा, इसलिए सब अन्य जो तीन ही वर्ण है वैश्य क्षत्रिय अशूद्र ये सब नष्ट हो गए। इसलिए कहता है कलयुग में ब्राह्मण कैसे व्यवहार करेंगे, उसका स्वभाव क्या होगा, पार्वती को शिव जी ने बताया पद्म पुराण का सब्जेक्ट मैटर क्या है, पार्वती शिव उन बीच में कथन क्या कन्वर्सेशन, पद्म पुराण का सब्जेक्ट मैटर वही है। पद्म पुराण में जैसे बताया गया है पार्वती को शिव ने कहा था विप्रा वेद विहीनाश्च प्रतिग्रह परायण, कलयुग में जो ब्राह्मण होंगे प्रतिग्रह परायण केवल लेंगे दो और दो नेवर सेटिस्फाइड, ब्राह्मण कर लेंगे कुछ नहीं देंगे कर लेंगे, वेदादि भी अत्यधिक कामना आओ दे, बहुत सारी कामना उनका होगा कलयुग में, ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होगा, कलयुग संतुष्ट नहीं होगा, जो पूरी पहले जो युग था क्या द्वापर द्वापर तृतीय सत्य ब्राह्मण ज़्यादा नहीं लेते थे, मेरे शरीर में जितना चाहिए, मेरे कपड़ा चाहिए, कुछ खाना चाहिए, उतना ही लेते थे, इसके ब्राह्मण को सब दे जाता है जो ब्राह्मण नहीं लेते, जैसे कौन परशुराम ने, वो ब्राह्मण है जमदग्नि का पुत्र, जमदग्नि बहुत बड़ा ऋषि है, उसके पुत्र है परशुराम जब समग्र विश्व को जीत लिया 21 बार निक्षत्रिय कर दिया ये विश्व को, तो क्या है न जब जीत लिए क्या हुआ न वो विश्व को अपने हाथ में रख गया, मैं वो कंट्रोलर थे, किंतु वो क्या किए दान में दे दिया विश्व को, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो कुछ खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, ऐसे परशुराम नहीं लिया, इतना निर्लोभ थे ब्राह्मण। किंतु कलयुग में क्या होगा वेद विहीन हो जाएंगे, वेद विहीन मीन्स वेद में जो बताया गया है विहित है उसको तोड़ देंगे, ब्राह्मण ने तोड़ देंगे, और ज्यादा कामना के वशीभूत हो जाएंगे, अत्यधिक कामना, और क्या होंगे कुस्वभाव विशिष्ट होंगे, स्वभाव बहुत क्रूर स्वभाव होगा ब्राह्मण का, ब्राह्मण को मुंह से कोई गंदे बात निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण अशुद्ध हो जाएगा, ब्राह्मण कलयुग में कुस्वभाव विशिष्ट ज्यादा लोभ काम क्रोधी लोभ ये हो जाएंगे, और प्रतिग्रह परायण, कलयुग में ब्राह्मण ध्यान दान लेंगे कुछ नहीं देंगे, ज्यादा जितने ज्यादा दो सब ले जाएंगे ब्राह्मण, और क्या है ये शौचादि जो ब्राह्मण का स्वभाव है शौच रहना क्लीनलेस वह नहीं रहेगा कलयुग में, स्नान नहीं करेंगे, और क्या होगा जब ब्राह्मण ने साधन विधि जो दिया है वो साधन भी नहीं पालन करेंगे, कुछ नियम नहीं उनके जीवन में, और इसमें और ब्राह्मण का जो दुर्गुण बताया गया है कलयुग के ब्राह्मण की वेद निंदा करश्चैव द्यूतश्चौर्य परायणा तथा, ब्राह्मण ने कलयुग क्या करेंगे न वेद को निंदा करेंगे, नया नया धर्म सृष्टि करेंगे, मंत्र सृष्टि करेंगे, और करेंगे द्यूत परायणा जुआ खेलेंगे, चौर्य चोरी करेंगे ब्राह्मण, मैं नहीं बोलता हूँ वो शिवजी बोलता है, शिवजी बोलते हैं कि इसको द्रौपदी को बोलते हैं, विधवा संकल्पदाश्च भविष्यन्ति कलौतिजा, हे पार्वती सुनो कलयुग में ब्राह्मण कौन है क्या होगे क्या करेंगे न विधवा संग जो दूसरी स्त्री और विधवा के साथ शारीरिक संपर्क रखेंगे, और वृद्धत्व ब्राह्मणा केचित, जो ब्राह्मण जो कर्म कांड करते हैं जो मंत्र पढ़ते हैं कुछ होम करते हैं कुछ करते केवल वृत्त के लिए पैसा के लिए करते हैं, उनके विश्वास उनके ऊपर उन पर नहीं है, ठाकुर के ऊपर विश्वास नहीं है, केवल जो पूजा करते हैं मंदिर में परिवार चलाने के लिए धन लेने के लिए लाभ पूजा कुछ सम्मान के लिए करते हैं, वो ठाकुर के ऊपर विश्वास नहीं है, पूजा के ऊपर विश्वास नहीं, गीता भागवत किसके ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए जो मंदिर ज़्यादा मंदिर खोलते हैं बहुत सारे लोग मंदिर मेरा पैसा है मंदिर खोल दूंगा और कुछ ब्राह्मण को एंगेज कर दूंगा वो पूजा करेंगे, ब्राह्मण का कोई विश्वास नहीं है, वो जो करते हैं ये सब के दिखावा के लिए मान सम्मान के लिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर एक सुंदर गल्प क्या उसका कथोपदेश इसमें बोला
सड़ग्रम शिलारे भादाम भंगा, जानते हो उस गल्प को? जो गल्प को जानते हो? सुनो, एक मंदिर था, मंदिर में के पुजारी थे, पुजारी ब्राह्मण पुजारी। उस मंदिर में राधा माधव राधा कृष्ण थे, उसके ऊपर उसके और सालग्राम शिला थे। सालग्राम जानते हो? सालग्राम शिला। उस गांव एक लोग आया, जो बादाम बादाम कहते हैं ना, बादाम को कहते हैं गांव में, बादाम कहते हैं। वो बादाम की खेती कर रहा था। जब बादाम अमड़ों को कहते हार्वेस्ट को कहते, जब बादाम उत्पन्न किया हो गया, तो जो फर्स्ट जो बादाम कुछ लाया, मैं ठाकुर जी को इसको अर्पण करूंगा। तो बादाम का एक कुछ बादाम लेकर आया, मंदिर को आया, पुजारी को बोला, पुजारी जी ये बादाम ठाकुर जी को लगा दो। तो पुजारी ले गए ठाकुर के अंदर, मंदिर के अंदर ले गया, और जो दरवाजा बंद कर दिया, देखा कि बादाम अच्छा बादाम है, बड़ा बड़ा बादाम है। इसको छुड़ाने के लिए शिलाग्राम शिला को शिला से बादाम छुड़ाया है। क्योंकि विश्वास नहीं है, शिलाग्राम सालग्राम शिला, सालग्राम शिला है भगवान, साक्षात भगवान है, उसका विश्वास नहीं है। सालग्राम शिला रे बादाम भंगा न्याय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर से इस, इसका क्या है मतलब है, जो ब्राह्मण है जो पूजा करता है उसका विश्वास ठाकुर जी के ऊपर विश्वास नहीं है। सो सालग्राम शिला लेकर वो क्या किया ना, बादाम चढ़ाए, अगर खाए बादाम खाए मंदिर में, ये सब चलता है, बहुत कुछ चलता है कलयुग में। वो है व्यत्यर वृत्यर्थं ब्राह्मण केचित महाकपट धर्मिण, कपट धर्मिण, उसका कोई क्लीनलीनेस नहीं, अंदर में बात अलग, उद्देश्य अलग है, अलग है, और बाहर में कुछ कहते हैं अलग, कुछ कहते हैं शारीरिक शौचता नहीं है। पान चबाते हैं, चबाते हैं और ठाकुर पूजा करते हैं, होम भी करते हैं, श्लोक गाते हैं, पान के छे गिर जाता है, जो पात्र में गिर जाता है, और इस सब अशौचता। और वृत्यर्थ ब्राह्मणा के महाकपट धर्मेण, कपटता, कपटता जो अंदर बाहर समान नहीं है, क्लीन नहीं है। रक्तांबरा भविष्यन्ति जटिला स्मसुधारिणा, रक्तांबरा आजकल जो ब्राह्मण लाल कपड़ा पहनते थे, जो बड़ा बड़ा जो क्या होता है, जो चेक होता है, लाइन पड़ता है, जब देखते थे ब्राह्मण मंदिर में लाल कपड़ा, कोई ब्लैक कपड़ा, कोई ग्रीन कपड़ा पहनते, और जो ये जो रक्तांबरा, रक्तांबरा नहीं पहनना चाहिए ब्राह्मण को, व्हाइट कपड़ा, व्हाइट के धोती पहनना चाहिए। हाँ मठा जटिला स्मसुधारिण, स्मसुधारिण इसको क्या है, स्मसु दाढ़ी को कहते हैं, दाढ़ी, दाढ़ी नहीं, मूछ, मूछ दाढ़ी रखेंगे ब्राह्मण। एक कलयुग ब्राह्मण ऐसे करते हैं, ब्राह्मण को क्लीन शेव होना चाहिए, स्पेशली कैसे शेव्ड हेड, प्रभुपाद ने कहा शेव योर हेड देन यू वुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय कली। व्हाई वी शेव आवर हेड, डू यू नो दैट, इसका जटा, जटा का मतलब है दो केस का जत्न नहीं लेना, उसको जटा कहते हैं। जो मुनि ऋषि है वो भी केस बढ़ाते हैं, उसका जत्न नहीं लेते, इसलिए उसका जटा हो जाता है। और हम लोग क्या कहते हैं ना, हम लोग क्लीन शेव कर देते हैं, वही भी जटा है, क्योंकि मन केस का जत्न नहीं लेते हैं। लावण्यम केश धारणम, कलयुग में कहा गया है द्वादश स्कंद भागवत में, लावण्यम केश धारणम। अच्छा, ज़्यादा केस रखे, उसको साइज करना, इसको करने से मन में आता है मैं सुंदर दिखता हूँ, और कली ये भी इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय कली, दैट इज प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन, क्लीन योर, क्लीन शेव ऑफ हेड। इसके मंदिर में जो भक्त है दाढ़ी मुझ कुछ नहीं थे, किंतु ब्राह्मण कलयुग में क्या होंगे, रक्तांबरा भविष्यन्ति जटिला जटिला स्मसुधारिण, ब्राह्मण लोग लाल कपड़ा पहनेंगे और स्मसुधारिण, स्मसुधारिण दाढ़ी मुछ रखेंगे, बड़ा बड़ा केस रखेंगे, और कलयुग भविष्यन्ति ब्राह्मण शूद्र धर्मिण, शूद्र का जो वृत्ति है ब्राह्मण वही वृत्ति करेंगे कलयुग में। इसलिए उस कलयुग प्रभुपाद ने इसलिए क्या किया ना, आई एम क्रिएटिंग ए सेक्शन ऑफ पीपल एज ब्राह्मण, ब्राह्मण कलयुग मोर और लेस एवरी वन इज शूद्र, ज्यादा और कम से क्या सब लोग शूद्र बन गए। शूद्र किसको कहते हैं ना, जिसका वृत्ति का कोई विचार नहीं है, पैसा जैसे जिस वृत्ति में जिस धंधे में पैसा है लोग कोई विचार नहीं करते उसको करते हैं, और खाने के लिए जो कुछ विचार नहीं करते, जो कुछ मिला के टेस्ट लगता है तो खाओ,
मुर्गी के मांस हो, शुकर के मांस हो, जो कुछ अच्छा लगता है खाओ, उसको शुद्र कहते हैं। इसलिए कलयुग में प्राय सब कालो सर्व शुद्र संभव। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस शूद्र को उद्धार करने के लिए एक ही रास्ता कहा। उनके लिए कुछ नहीं, कुछ संस्कार नहीं है, कुछ संस्कार नहीं है। तीन प्रकार के लोग रहेंगे कलयुग में, ब्रह्मबंधु, शूद्र, नारी। इसलिए भागवत ने, प्रभुपाद ने व्यासदेव ने भागवत क्यों लिखा? कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा। इस वेद जो वैदिक साहित्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण का योग्यता है वो सब हजम कर सकते, वो स्टडी कर सकते, उसको पढ़ सकते हो, उसको दूसरे को शिक्षा दे सकते, अपने जीवन में वो अप्लाई कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। इसके लिए वैदिक साहित्य को, वैदिक लिटरेचर को जानने के लिए स्पेशल ब्रेन चाहिए। जो ब्रेन, जैसे कोई कोई बच्चा अच्छा मैथमेटिक्स करता है, कोई भला साइंटिफिक अचीवमेंट पाता है, कोई कोई लोग पाते हैं, उसका स्पेशल ब्रेन एक्टिवेटेड हुआ है। कोई अच्छा संगीत क्या लिखता है, गीत गीत लिख सकते हैं, कोई म्यूजिक डायरेक्शन दे सकते हैं, उसका स्पेशल ब्रेन है, सब लोग नहीं कर सकते। ऐसे ही ये जो वैदिक साहित्य को जानने के लिए, ये गीता भागवत जो उपनिषद है जानने के लिए स्पेशल ब्रेन चाहिए। एक ब्रेन कहाँ से आएगा? ना अच्छे खाने से, शुद्ध खाने से, प्रसाद पाने से अच्छा ब्रेन आएगा। कलयुग में जो मांस खाएंगे, मछली खाएंगे, सो खाएंगे तो ब्रेन सब नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं। इसलिए ब्राह्मण कलयुग में नहीं है, सब शूद्र। चैतन्य महाप्रभु जब गए कहाँ, वाराणसी गए। वाराणसी में कौन थे? सन्यासी थे, उसका नाम थे प्रकाशानंद सरस्वती। वो बहुत बड़ा सन्यासी थे, हजार हजार शिष्य उनके। जो चैतन्य महाप्रभु गए कहा, जो वाराणसी गए, प्रकाशानंद सरस्वती ने निंदा किया चैतन्य महाप्रभु को। श्री कृष्ण से तो वो क्या जानती है, वो शास्त्र वास्त्र कुछ जानते, नृत्य करता है, खोल करता लेकर नृत्य करता है, नगर कीर्तन करता है, इसको ऐसो क्या है, ऐसो भाव भावुकों का काम है, जो सेंटिमेंटल है वो ऐसे करता है। लोग वही सोचते हैं जो साधु हुआ है, हिंदू में दिखते हैं ये सब कुछ मूर्ख, कोई पाठशाट नहीं पढ़े, इसका पाठ नहीं, कुछ नहीं है, कुल का कोई परंपरा नहीं है, एक मर्यादा नहीं जानता, कुछ लोग ऐसे दुष्ट देखते हैं साधु को। तो चैतन्य महाप्रभु जब ऐसे नगर कीर्तन कर रहे थे, प्रकाशानंद सरस्वती ने उनका निंदा किया। जो सामने नहीं निंदा किया, वो पीछे में निंदा किया, जो पीछे 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 निंदा किया, जो अलग जो भक्त हैं वो तो चैतन्य महाप्रभु का आकर बताएं, महाप्रभु ऐसे निंदा करते हैं, वो आपका ज्यादा निंदा, सब सर्वत्र चैतन्य का, चैतन्य महाप्रभु का निंदा करते, अपमान देते। चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं बताए, सिर्फ हंस दिया। ठीक है, एक दिन एक ब्राह्मण आया, महाप्रभु मैं एक सन्यासी का सम्मेलन करना चाहता हूँ, सम्मेलन ही उसको क्या कहते, कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। मैं सब बड़ा बड़ा सन्यासी को बुलाया, मैं जानता हूँ आप किसी के निमंत्रण नहीं, किसी के इन्विटेशन आप नहीं रखते हैं, स्टिल मैं अपन को निमंत्रण को, मैं आपको निमंत्रण करता हूँ, आप आइए उस सम्मेलन में योगदान दीजिए। महाप्रभु इस अवसर को अपेक्षा थे, कब होगा, मेरे सामना सामने होगा, किसके साथ, प्रकाशानंद सरस्वती के साथ। जब चैतन्य महाप्रभु सम्मेलन में गए, वहाँ था एक स्थान था जहाँ पैर धोकर उस पेंडल पर बैठेंगे, सन्यासी थे चैतन्य महाप्रभु। पहले से प्रकाशानंद सरस्वती उनके जो जो फॉलोअर्स है, अदर सन्यासी, अलग सन्यासी से बैठे थे पंडाल पर, बैठे थे पंडाल पर बैठे थे। चैतन्य महाप्रभु ने जो पैर के धोने के स्थान से पैर को धोने के बाद वही बैठे बैठ गया बैठ गए। इसलिए ओ कुछ समय के बाद वो उनके शरीर से ज्योति निकला, वो भगवान है ना। प्रकाशानंद सरस्वती बड़ा आश्चर्य हो गए, कौन है ये? उनके पूछा, श्री कृष्ण चैतन्य तुम्हारा कोई तकलीफ है क्यों? वह परित्यक्त अपरिष्कार जहाँ कचरा फेंका होता है वहाँ क्यों बैठते हो? लोग पैर धोते हैं वहाँ, वहीं बैठने नहीं बैठना चाहिए।
चैतन्य महाप्रभु अपेक्षा में थे प्रकाशानंद सरस्वती मेरा कोई सेवा करेगा, कुछ सेवा करने के बाद मैं उसको करुणा करूंगा, कृपा करूंगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोले कि तुम बड़ा स्तर के सन्यासी हो, सरस्वती संप्रदाय के सन्यासी हो, हम भारतीय संप्रदाय के सन्यासी हो, मैं इतना ज़्यादा प्रेस्टिजियस नहीं है, आप लोग वही बैठे, मैं आपके पास बैठने का योग्यता हमारा नहीं है। प्रकाशानंद सरस्वती नहीं सह सका, जी इतना बड़ा सुंदर सुंदर दिखता है, पहले से महाप्रभु को कभी नहीं देखा चैतन्य ए प्रकाशानंद सरस्वती, देखा था बहुत सुंदर दिखते हैं और शरीर से ज्योति निकलते हैं। प्रकाशानंद सरस्वती ने और नहीं अपेक्षा की, चले आए उनके हाथ को पकड़ कर पिंडाल पर ले गए, बैठाए, उनको प्रश्न किए, क्या प्रश्न किए, आप इस नाचते हैं गाते हैं ये सब क्या करते हैं, जो कीर्तन करते हैं ना भक्तों भक्त लोग, ये सब क्यों करते हैं, ये सब बहुत ही हीन काम है। प्रकाश ने सोचते हैं सन्यासी हया कर नर्तन गायन, भावुक सव संगे लया कर संकीर्तन, तुम सन्यासी हो, सन्यासी का मर्यादा है वेदांत पठन ध्यान, सन्यासी का कर्म वेद पढ़ना है, ग्रेव रहना है, ध्यान करना है, उसको सम्मान मिलेगा, लोग उसका स्पेशल लोग सन्यासी को बहुत उच्च नजर से देखते हैं, ये क्यों करते हो आप, सन्यासी होया कर नर्तन गायन भावुक संग सवे लया कर संकीर्तन, प्रभावे देखिया तुम्हें साक्षात नारायण, तुम देखने से नारायण की तरह देखते हो, माने तुम्हारा जो रूप है नारायण की तरह, नारायण की तरह आपका रूप है, इतने सुंदर दिखते हो, हीनाचार कर के ना इतने की कारण, इतने हीन लोग की तरह आचरण क्यों करते हो, भावुक की तरह आचरण क्यों करते हो। महाप्रभु वहाँ बोला गुरु मरे मूर्ख देखी करेला शासन, मूर्ख तुम्हें तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार, तुम लोग वेद नहीं पढ़ सकते, कलयुग में सब मूर्ख है तो वेद नहीं पढ़ सकते, वेद पढ़ने के लिए स्पेशल ब्रेन चाहिए, वो ब्राह्मण का ब्रेन चाहिए, इसलिए वेद उपनिषद अलग कोई जो अन्य जो वर्ण है क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब नहीं पढ़ना चाहिए, वेद कौन पढ़ता है ना, ब्राह्मण पढ़ता है, तपस्या जो करता है वेद पढ़ सकता है। आजकल बहुत लोग प्रवचन देते हैं, बहुत लोग बहुत ये सब मिला लिखा हुआ है गीता भागवत उपनिषद में लिखा है, तो पढ़ेंगे तो कुछ लोग कहेंगे तपस्या नहीं करने से आप जो शिक्षा पाते हैं वो लोग काम में नहीं आएगा, रियलाइजेशन होगा, रियलाइजेशन नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद ने कहा ठीक है गीता भागवत अध्ययन करो, हरिनाम करो, उसके उसके साथ जो नियम पालन करो, चार नियम पालन करो, वो तपस्या है, मांस मछली निषेध, जो क्रीड़ा निषेध, ऐसो निषेध, क्यों क्या क्यों किया वो ना, वो करने से आपका शुद्ध शरीर शुद्ध हो जाएगा, शरीर शुद्ध होने से ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है आध्यात्मिक ज्ञान है आपके अंदर रह सकता है, शरीर अशुद्ध होने से ये नहीं रहे, आप ज़्यादा मेरा मेमोरी पावर ज़्यादा है, मैं ज़्यादा याद कर लूँगा, श्लोक गा दूंगा, इंग्लिश जानता हो, उड़िया जानता हो, हिंदी जानता हो, ये सब मैटर नहीं, इसको अनुभव करना ये अलग बात है, शास्त्र को याद कर लेना वो अलग बात है, उसको अनुभव करना अलग बात है। अनुभव कैसे आएंगे, जब उसको अप्लाई करेंगे, कुछ तपस्या करेंगे, कुछ विधि निषेध पालन करेंगे तो अनुभव आएंगे। तो ब्राह्मण का कर्तव्य वो तपस्या करने, क्षांति राजब मेव समादम तपह, तपस्या करने से ब्राह्मण का योग्यता आ जाता है, इसलिए ब्राह्मण का कोई जाति नहीं है। ऋष्य श्रृंग मुनि कहाँ से जन्म लेते जानते हो, मृग से, अरे मृग के मृग अगस्त्य मुनि कुंभ से जन्म लेते, कुंभ क्या कहते हैं भांड, उसको क्या कहते हैं घड़ी 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 से आज जन्म लेते, वशिष्ठ उर्वशी से जन्म लेते, ये सब ब्राह्मण कुल का नहीं है, बाद में ब्राह्मण हुए, ब्राह्मण का कोई कुल नहीं है, जो जिसका ब्राह्मण का स्वभाव प्रकट होगा वो ब्राह्मण है। इसलिए प्रभुपाद हमको व्यवस्था किया है, हमको ब्राह्मण के दीक्षा लेते, गायत्री मंत्र दीक्षा लेते, हम लोग ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए, गायत्री मंत्र दीक्षा क्यों देते न, जब वो चार नियम निष्ठा से पालन करेगा, हरिनाम करेगा, वैष्णव का जो क्वालिटी उसका प्रकाश पाएगा प्रकट होगा, तो ब्राह्मण के तरह है, तब योग्य हो गया क्या, जो उपवीत लेकर ठाकुर का सेवा करेंगे, यज्ञ करेंगे, वेद मंत्र उच्चारण करेंगे, इसलिए प्रभुपाद ने ऐसा व्यवस्था किया। ब्राह्मण का कोई जाति नहीं है,
ब्राह्मण जो जाति दो दो दो, दो किस्म के ब्राह्मण होते हैं, स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण, जाति ब्राह्मण। मेरा पिताजी ब्राह्मण है, मेरा वंश परंपरा ब्राह्मण है, मैं स्कूल में जन्म लिया हूँ इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ। वो जाति ब्राह्मण में, जाति ब्राह्मण में बहुत समस्या है। क्या समस्या? मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ मगर ब्राह्मण का कोई गुण नहीं है मेरा पास। और स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया किंतु गुरु के अधीन में आकर गुरु के शिक्षा को लेकर जब साधन विधि पालन करते हैं उनके ब्राह्मण के गुण प्रकट होता है, उसको स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण कहते हैं। ऋषिशृंगम ऋषि, अगस्त्य ऋषि, द्रोण, इन कितने बहुत कुछ ऋषि है जो ब्राह्मण कुल में नहीं, जम्ब का ऋषि जो सुगाल से जन्म लिया है, ये सब ब्राह्मण कुल में नहीं जन्म लिया। तो ब्राह्मण का कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण जो उसका जो क्वालिटी प्रकाश प्रकट होगा, उसका गुण स्वभाव प्रकट होगा तो वो ब्राह्मण हो सकता है। इस जो जैसे कहा गया है वो श्लोक में याद नहीं है, जो बेल मेटल है कांस के और पारद के मिलन से सोना हो सकती है। प्रभुपाद ने जो रूप गोस्वामी ने कहा भक्ति रसामृत छंद में, कंस बेल मेटल, द मेटल में पारद के कुछ पोर्शन लेकर उसको मिलाकर सोना बना सकते हैं, मिलाना इतना आसान नहीं है। ऐसे जैसे कांस को पारद के मिलावट होने से सोना आ जाता है, ऐसे जो ब्राह्मण कुल में नहीं, हिंद कुल में जन्म लिया है, जिस कुल में जन्म लिया, जो गुरु को अधीन में आ जाने से, जैसे कोई वैष्णव साधु आचार्य के संस्पर्श में आ जाने से वो भी ब्राह्मण बन सकते। इसलिए इस कंडीशन में, इस प्रिंसिपल को लेकर श्रील प्रभुपाद ने समग्र विश्व में जो इस्कॉन सेंटर प्रतिष्ठा किया, ब्राह्मण सृष्टि किया। जब बोले जो भक्त होते हैं यहाँ, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी, जो कुछ हो, वो जो चार नियम पालन करते हैं, जप करते हैं, जो साधन पालन करते हैं, इसको उनका ब्राह्मण का गुण प्रकट हो जाता है। उनको आप कह नहीं सकते जो ये हिंद कुल का जन्म है, ये नीचे कुल का जन्म, नहीं नहीं नहीं, इसे अपराध हो जाएगा। वैष्णवे जाति बुद्धि, वो ये नीच कुल का है, नहीं ऐसे नहीं कह सकते, अपराध हो जाएगा। तो ब्राह्मण स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण और जाति ब्राह्मण, जाति ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म, ब्राह्मण कुल में जो जन्म लिया है उसका, उसके लिए सुविधा है, सुजोग है, जब ब्राह्मण हो सकता है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरा जो बच्चा है उसके डॉक्टर होने का सुविधा है, क्योंकि इंस्पिरेशन पाएगा, पैसा पत्र बहुत कुछ सुविधा सुजोग मिलेगा, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है जब तक वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, वो डॉक्टर नहीं हो सकता। हाईकोर्ट जज का बेटा जज नहीं है, इसके ब्राह्मण का पुत्र जो ब्राह्मण होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ब्राह्मण का पुत्र इसका कोई गारंटी नहीं है, उसको जाति ब्राह्मण कहते हैं। स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण, जाति ब्राह्मण। भगवान कृष्ण का जो भक्त है वो स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लो और ना लो, उसको स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण कहे जाते हैं। उसको अपमान करना, उसको क्रोधित करना, उसको दंड देना, ये भगवान कृष्ण कष्ट, उसको दुख लगता है, दुख आता है। इसलिए ब्रह्मा भगवान ये जगत में जो अवतार लेते हैं ब्राह्मण के लिए लेते हैं, ब्राह्मण वैष्णव के लिए। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सुजामि अहम परित्राणय साधुनाम। साधुओं को परित्राण के लिए, ब्राह्मण को परित्राण के लिए। ब्राह्मण संस्कृति जब नष्ट हो जाएगा, उसके विरुद्ध लगेंगे कौन? क्षत्रिय समाज जो इंद्रिय भोग करते हैं, जो लगेंगे उनके ब्राह्मण को निंदा करेंगे, कष्ट देंगे, तो भगवान अवश्य ही अवतार रहेंगे। सो ब्राह्मण को कौन सा, कभी भी ब्राह्मण को दुख देने, उसको क्रोधित नहीं करना चाहिए, यही से बतला गया है। कि तो अर्जुन को बताते हैं, कौन बताते? द्रौपदी ने कहते हैं, कहते हैं कि तुम ब्राह्मण कुल को मत क्रोधित करो। उनका जो पिता है द्रोण, ये द्रोण का पुत्र है, द्रोण का पुत्र उनके पिता के विस्तार है, उसको अश्वत्थामा को दंड देना, द्रोण को दंड देने के साथ समान है। अपने गुरु को दंड देते हो, ये ठीक नहीं, ये अपराध है। इसलिए ब्राह्मण का कोई जाति भेद नहीं। अधम कुले ते यदि विष्णु भक्त हो तथापि सही से पूज्य सर्वशास्त्र को उत्तम कुले ते जाने श्री कृष्ण ना भजे कुलतार की करीब अनारक कहते मजे, चैतन्य चरितमृत में कहा गया है।
यदि अधम कुल में, अधम कुल में, नीच कुल में, हीन कुल में कोई जन्म लिया है किंतु विष्णु का बड़ा भक्त है, वो श्रेष्ठ है। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया किंतु ब्राह्मण को ब्राह्मण तो नहीं है, विष्णु का आराधना नहीं करते, वो श्रेष्ठ नहीं है। प्रहलाद ने कहा जब स्तुति करते थे चैतन्य नृसिंहदेव को स्तुति करते थे, सेवेंथ कैंटो नाइन्थ चैप्टर, विप्राद्विषड गुणयुतादर बिंदनाव पादार बिंद विमुखात् स्वपचंबरिष्टं मन्ये तदर्पितमनो वचने हितार्थं प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमाणः। प्रह्लाद ने ये उक्ति कहा, विप्राद्विषड गुणात् युतात् अरबिंदनाव, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, विप्र है, सड़गुण, सड़गुण में जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह ब्राह्मण का कर्तव्य, वो सब करता है किंतु विष्णु को अच्छा, विष्णु को प्यार नहीं करता, विष्णु को पूजा नहीं करता, आराधना नहीं करता, मानता नहीं। विप्रादि सड़गुण युताद अरबिंद नाव पादारबिंद विमुखा छपचम वरिष्ठम, इसे कहा है, कहा है क्या, अधम कुलित यदि अधम कुलित यदि विष्णु भक्त है तथापि सही से पूज्य सर्वशास्त्र का है, उत्तम कुल में जन्म लिया है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है किंतु विष्णु का आराधना नहीं करते हैं, वो नरक जाएगा। ब्राह्मण को इसलिए इंस्ट्रक्शंस, ब्राह्मण को और कोई देवता की पूजा करने का इजाजत नहीं, वो वेद निषेध करता है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो सिर्फ विष्णु का आराधना करेंगे। जो ग्रेडेशन है, जीव जोनि का ग्रेडेशन है, क्या है, जड़ जान अवलक्षण स्थावर अभिंस लक्ष्य कृम रुद्र संख्या का सर्वश्रेष्ठ जोनि कौन है, मनुष्य जोनि, चतुर्लक्षणी मानव, ये मानव जोनि में सर्वश्रेष्ठ जोनि, मन सर्वश्रेष्ठ ऊपर में ब्राह्मण है। ब्राह्मण जब सदाचारी हो जाएगा, विष्णु का आराधना करेगा, वही जन्म शेष जन्म होगा, अंतिम जन्म होगा, और उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और ब्राह्मण जन्म यदि वो अपराध करेगा, पाप करेगा, तो नीचे जोनि में जाना पड़ेगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जोनि है। विप्राद विषड गुण युतात् अरबिंद नाभा पादार अरबिंद विमुख छपचम वरिष्ठम, ब्राह्मण कुल उच्च कुल में जन्म लिया है, विष्णु का आराधना नहीं करते, उससे ज्यादा बेहतर है कौन, न छपचम, छपच मीन्स म्लेच्छ शूद्र, जो स्व खाते, स्व मीन्स व्हाट, कुकुर कुत्ता, जो कुकुर कुत्ता खाते हैं उसको स्वपच कहते हैं, कुत्ता को रसोई करते रन जो पकाते हैं जो, उसको क्या कहते हैं, स्वपच। स्वपच कौन खाते हैं, म्लेच्छ चंडाल, ब्राह्मण से वो चंडाल अच्छा है जो विष्णु का आराधना करता है, ये जो कहते ना, अधम कुलित यदि विष्णु भक्त है तथापि सही से पूज्य सर्वशास्त्र कहे, वही कहा, कौन कहा ना, प्रहलाद ने कहा, विप्रा द्विषड गुण युताद अरबिंद नाभा पादा अरबिंद विमुखा छपचम वरिष्ठम, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है किंतु विष्णु का आराधना नहीं करते, उससे ज्यादा बेहतर है कौन, चंडाल है जो विष्णु का आराधना करते, मन्ने तदर पितमनो वचने हितार्थ प्राण पुनाति सकुलम न तो भूरि मान, जो लोग ब्राह्मण कुल में जन्म ले ज्यादा गर्व आ जाता है, मैं ब्राह्मण हूँ, उच्च वंश से जन्म होने से गर्व आता है, मैं ब्राह्मणों विष्णु का आराधना नहीं करते, वो सिर्फ अपने को नहीं उद्धार कर सकता, दूसरे का क्या करेगा, ऐसे कहते हैं। तो हम लोग को ब्राह्मण प्रभुपाद इसलिए कहते हैं, सब लोग को ब्राह्मण होना चाहिए, कैसे, जब वो ये चार नियम पालन करेंगे जो प्रभुपाद ने दिया है, हरिनाम करेंगे, स्वाभाविक ब्राह्मण का गुण प्रकाश पाएगा, समोद महतप शौच क्षांति ये सब गुण ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसके लिए स्पेशल एंडेवर नहीं करना चाहिए, मैं आज से बहुत सहन शक्ति बढ़ाऊंगा, आज से सत्य कहूंगा, इंद्र दम न, इसके स्पेशल नहीं करना चाहिए, भक्ति करने से ब्राह्मण का गुण आ जाएगा। प्रहलाद ने कहा, जस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वा गुणस्तत्र समासते ही सुरा खराब भक्त सुकुतो महत गुणा, जो अच्छा अच्छा अच्छे अच्छे गुण है, अभय सत्य संसद ज्ञान जगह, ये सब अच्छा गुण है, देवता के गुण है, ये सब गुण ऑटोमेटिक आ जाएगा जब कृष्ण के भक्ति करेंगे, नेचुरली आ जाएगा, सब गुण आ जाएगा, ब्राह्मण का गुण आ जाएगा, उसको स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण कहते हैं, वही है ब्राह्मण।
जो विष्णु का भक्त है, नहीं तो जो और जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है विष्णु का आराधना नहीं करते, वो अपने आप का नहीं उधार सकते और दिस का और दूसरे का किसका वो करेंगे कल्याण क्या कर सकते। इसलिए द्रौपदी ने कहा तो जो ब्राह्मण का अपमान करते हो सुधा अवश्य जो कौन असत्थमा ब्राह्मण नहीं था वो इस समय, क्योंकि वो ब्रह्म बंधु हो जाएगा हो गया था, जो कर्म किया द्रौपदी के पुत्र का हत्या कर दिया वो ब्राह्मण का जो शक्ति नहीं था उसके पास। इसलिए द्रौपदी जो कहते हैं वो नारी है, नारी का हृदय ज़्यादा कोमल होता है और द्रौपदी महान महान नारी है जो अपने पुत्र खो देने के बाद भी वो दुख नहीं करते और ईर्ष्या नहीं करते, क्रोध नहीं आता है। नहीं तो हम लोग साधारण नारी होते तो अरे मेरा पुत्र को हत्या किया तो उसको हत्या करो, तो द्रौपदी ऐसे नहीं किए, उसका उसकी जो हृदय बहुत विशाल हृदय है। इसलिए ब्राह्मण नहीं तो रंग गुरु डोंट किल हिम, उसको मारना नहीं तो रिलीज करो अंटाए दो, तो ये तो जो पशु की तरह बांध लिया है ये ठीक नहीं, अपमान जनक है, गुरु का पुत्र है। जब द्रौपदी ने ऐसे बोल दिया सुत गोस्वामी ने कहा जे उसको बांध से खोल दिया, कि नहीं कौन खोल दिया, अर्जुन ने खोल दिया बंधन खोल दिया। उसके बाद आर्गुमेंट फिर चला, उसको मानना है या मानना नहीं है, ब्राह्मण पूज्य है परंतु ब्रह्म बंधु है, और है आतताई है। आतताई किसको कहते हैं ना, जो एग्रेसर जिसको कहते हैं, जो आतताई को सद्य हत्या करना चाहिए। छह प्रकार के आतताई है, जो दूसरे के घर में अग्नि संयोग करते हैं, जो अस्त्र लेकर मरना आता है, और जो बीज देता है, और दूसरे के बीबी बच्चे को जो हड़प लेता है, और दूसरे के जमीन को जो हड़प लेता है, इसको इसको कहते हैं एग्रेसर आतताई। ये आतताई को सद्य हत्या करने से कोई पाप नहीं लगेगा। अश्वत्थामा इस समय ब्रह्म बंधु ये आतताई भी है, वो उसके पिता को जो बच्चे को मार दिया, इसलिए उसको इसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, उसको क्या हत्या करना चाहिए और छोड़ देना चाहिए, ये बड़ा कंट्रोवर्सी आ गया वहाँ। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं उसको छोड़ दो, द्रौपदी ठीक कहती है, भीम कहता है नहीं छोड़ो उसको, मत मार इसको, मार दो, हत्या करना ही अच्छा है, आतताई को हत्या करने से कोई पाप नहीं होगा। अर्जुन ने इसको शपथ किया कि मैं द्रौपदी का कहा कि मैंने उसको बांध कर लाऊंगा, हत्या करके उनके रक्त से तुम स्नान करोगे, तो अर्जुन को अभी क्या करना है वही प्रश्न आ गया। द्रौपदी कहते उसे छोड़ दो, ये गुरु का पुत्र है। युधिष्ठिर महाराज कहते छोड़ दो, अब क्या करेंगे। तो ये जो कंट्रोवर्सी आ गया, आगे में आ जाएगा जो क्या करना है क्या नहीं करना। अर्जुन ने उसको प्राण से नहीं मारा, उसको अपमान देकर छोड़ दिया। ब्राह्मण को प्राण से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण तो जो ज्ञानी है, सबको जो शारीरिक दंड सबको नहीं दिया जाता है, शारीरिक दंड शूद्र को दिया जाता है, फाइनेंशियल पेनल्टी वैश्य को दिया जाता है, ब्राह्मण को बात में मार्गदर्शन मर जाता है। संभावितस्य चाकेतिर मरणाद अतिरिच्यते, जिसको आप सम्मान करते हैं उसको असम्मान कर देने से उसका मृत्यु हो जाता है, तो कैसे उसका सम्मान करें वो बात आएगी, उसके बाद आएगी। यहाँ हम कथा को विश्राम देते हैं, यदि आपका कोई प्रश्न है कुछ पूछ सकते हैं, हम चेष्टा करेंगे कुछ उत्तर करने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जय श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे संकीर्तन की जय संकीर्तन जनक शिशुमन चैतन्य महाप्रभु की जय परम दयाल नित्यानंद प्रभु की जय श्री राधा माधव श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महाराण की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय भक्त पावन श्रील गुरुदेव की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण नामाचार्य प्रभु की जय।